Hello students, are you ready for further discussion in our chapter solar radiation, heat balance and temperature? And we were discussing about the horizontal distribution of temperature. And we have also discussed discussed about isotherms and the characteristics of isotherms. In this lecture, beta, we will study about the distribution of surface air temperature. In the month of January, beta, and July. So you know well that for most places on the earth, January and July represents the seasonal extremes of temperature, and for this reason, beta, these months are most often selected for analysis. Means beta, तापमान के विश्लेषण के लिए हम इन दो महीनों को चुनते हैं, जनवरी और जुलाई को, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में. अब देखिए, फर्स्ट हम ले रहे हैं आपका जनवरी. लुक बेटा, द सन शाइन्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी. मतलब जनवरी के महीने में सूर्य जो है वो आपकी मकर रेखा पर सीधा चमकता है. ठीक है, हमने इसी चैप्टर में किया था, इलिप्टिकल पाथ की बात की थी, तो हम उसमें सीजन्स की भी बात की थी, तो हमने उसमें दिसंबर किया था, याद कीजिए, दिसंबर और जनवरी, कि सूर्य जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है. और मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बेटे कहाँ पर है? आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, दक्षिणी गोलार्ध में है. इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में उसके ऊपर सूर्य की किरणें वर्टिकली मतलब लंबवत पड़ती हैं. तो सोचिए, सूर्य की किरणें अगर वहाँ वर्टिकली हैं, इट मीन्स वहाँ कौन सा सीज़न हुआ? समर सीज़न ना. तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर आपका समर सीज़न है, तो इट मीन्स आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा? विंटर सीज़न होगा. तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना, माइंड इट. साउदर्न हेमिस्फीयर, देखो, इट इज़ समर इन दिस हेमिस्फीयर एंड टेम्परेचर इज़ हाई ओवर लैंड मासिस. ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, तापमान है वो ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे थे. ठीक है, टेम्परेचर इज़ राइजिंग ओवर 30 डिग्री सेल्सियस इन फोर एरियाज. मतलब 30 डिग्री को भी पार कर जाता है तापमान, और इसमें चार क्षेत्र जो है वो आपके दिए हुए हैं, और ये हम आगे मैप के अंदर, इस फिगर के अंदर भी करेंगे. कौन कौन से बेटे आपके फोर जो हैं वो? अर्जेंटीना, ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका, बोर्नियो एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया. इसलिए आइसोथर्म्स जो हैं, मतलब आपकी समताप रेखाएं जो हैं, बैंड इक्वेटर वार्ड्स वाइल क्रॉसिंग द ओशंस एंड पोल वार्ड्स वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासिस, कि ये महासागरों को पार करते समय तो भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है, और महाद्वीपों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं. नेक्स्ट बेटर, ड्यू टू वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर दे आर मोर रेगुलर एंड वाइडली स्पेस्ड. ठीक है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में आपकी पानी या जल भाग जो है वो अधिक है, तो जल भाग अधिक होने के कारण इन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता टेम्परेचर में. इसलिए आइसोथर्म्स जो हैं, ठीक है ना, वो आपकी नेम में दिखाई देती हैं, ठीक है ना, उनमें ज़्यादा उतार चढ़ाव है वो नहीं है, और वाइडली स्पेस्ड भी है, मतलब उनके बीच जो गैप है वो ज़्यादा है. और हमने किया था कि जब उनके बीच में वाइड स्पेस हो, तो इसका मतलब है उनकी स्लो चेंज. वो स्लो चेंज इसीलिए है क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लैंड मास कम, और आपका जो वाटर जो पार्ट है वो आपका ज़्यादा है. यस बेटे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर टेम्परेचर, ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी इन साउदर्न हेमिस्फीयर ओनली. बेटा, सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हम देख रहे हैं फिलहाल, जो हमें अभी हमने किया, किसमें? जनवरी मंथ में. हमने बात की थी जनवरी मंथ में आपका वर्टिकली होता है सन रेज वर्टिकल होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इसलिए यहाँ गर्मी होती है, समर सीज़न होता है. अब देखिए, उसमें क्या था कि टेम्परेचर हाई ओवर द लैंड मासिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड राइजिंग ओवर 30 डिग्री सेल्सियस इन फोर एरियाज. कौन से फोर एरियाज? देखिए बेटा, नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना, ओके, नेक्स्ट आपका 30 डिग्री सेल्सियस मोर देन दिखाया हुआ, नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका, एंड द थर्ड बोर्नियो, एंड फोर्थ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया. ये चार हो गए आपके, ठीक है ना, जिसमें 30 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है. ठीक, फिर हमने नेक्स्ट फीचर की थी, द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वार्ड्स वाइल क्रॉसिंग द ओशंस, है ना. इसमें ध्यान से देखिए कि इक्वेटर की तरफ मुड़ रही हैं ओशन, एंड पोल वार्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासिस. अगर हम गौर से देखेंगे तो जैसे ही आपकी क्रॉस कर रही हैं आइसोथर्म मतलब समताप रेखाएं, ठीक है ना, ब्रैंड इक्वेटवार्स मतलब भूमध्य रेखा की ओर, वाइल क्रॉसिंग द ओशन, ओशन को क्रॉस करते वक्त, ठीक है, और ऐसे ही पोल वार्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासिस. चलिए बेटे, अब आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं हम कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका इंडिया लोकेटेड है. देखिए, इट इज़ विंटर इन दिस हेमिस्फीयर, देयरफॉर टेम्परेचर रिमेंस लो.
हमने बात की थी कि सीजन्स है वो उल्टा होंगे। अगर वहाँ पर आपके समर है तो बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर आपका विंटर हो जाएगा। अगर विंटर्स है तो इसका मतलब तापमान है वो कम रहेगा, ठीक है। और कम होने के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर ओशियन और लैंड मास की बात करें तो हमने किया था कि लैंड मास ही जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, और विंटर्स की बात है तो इसका मतलब वो ठंडे ज़्यादा होंगे रादर देन ओशियन वाटर बॉडीज़ की बजाय, ठीक है। इसलिए आपके जो महाद्वीप जो हैं उसकी अपेक्षा महासागर अधिक गर्म होते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि महाद्वीप हैं वो ठंडे होते हैं किसकी बजाय, महासागरों की बजाय, ठीक है। इसलिए आपके आइसोथर्म्स बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा जैसा आपने साउदर्न हेमिस्फेयर में किया था। बेंड इक्वेटर वार्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासिस एंड पोल वार्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशियंस। और बेटे लैंड मास यहाँ ज़्यादा होने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है ना, आपकी जो आइसोथर्म्स जो हैं ये आपकी अनियमित होती हैं, मतलब इरेगुलर होती हैं। और उसमें आपने किया था स्पेस ज़्यादा होता तो यहाँ आपकी क्या है क्लोजली स्पेस्ड इन दिस हेमिस्फेयर। और क्लोज जो स्पेस दिखा रहा था वो आपका किसका था, रैपिड चेंज का था इन टेम्परेचर में। और रैपिड चेंज इसीलिए क्योंकि विंटर भी है, दूसरा आपका वास्ट एक्सपेंस लैंड मासिस का है तो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा आती है किसमें, आपके जो आपके ओशंस हैं और आपके लैंड मासिस है दोनों के टेम्परेचर के अंदर। अब इसको भी हम एक बार फिगर में कर लेते हैं। लुक बेटा, हम बात कर रहे थे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखिए हमने इसमें बात की थी कि आपके मतलब विंटर सीज़न है इसलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन, तो देखिए आपकी इरेगुलर भी हैं, आपके आइसोथर्म्स जो हैं वो आपके इसकी तरह रेगुलर नहीं जैसे ये पैरेलल नज़र आ रही है, ठीक है ना। इनमें बहुत ज़्यादा बैंड है क्योंकि आपका वास्ट एक्सपेंस लैंड मासिस का है इसलिए तो। और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये आपको पैरेलल मतलब समानांतर नज़र आ रही हैं। दे बैंड इक्वेटर वार्ड्स वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासिस एंड पोल वार्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशियंस, ठीक है ना। बिकॉज द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासिस इन द इन दिस हेमिस्फेयर बेटा, ठीक है। नाउ बेटा जी वी विल टॉक अबाउट द मंथ ऑफ जुलाई। अब हम जुलाई महीने की बात करेंगे। और बेटा आप जानते हैं कि ये तो अभी चल ही रहा है ना, वास्तव में जुलाई ही चल रहा है। देखिए एट दिस टाइम बेटा द सन साइंस ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, माइंड इट, मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर लांबिक चमकता है या वर्टिकली। और जब हमने इससे पहले जनवरी का किया था तब किस पर था बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, वो आपकी थी साउदर्न हेमिस्फेयर में और ये आपकी होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है। इसलिए जहाँ इसकी रेज मतलब सन रेज वर्टिकल होंगी इट मीन्स वहाँ समर सीजन होगा। तो अब समर सीजन कहाँ हुआ आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसका मतलब समर नॉर्दर्न में है तो इसका मतलब यहीं ज़्यादा इंसुलेशन है, इसका मतलब टेम्परेचर भी कहाँ होगा, यहीं ज़्यादा होगा। और ये भी आपको पता है कि लैंड एरिया भी यहीं ज़्यादा है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर 30 डिग्री सेल्सियस ऑफकर्स, ठीक है ना, 30 डिग्री सेल्सियस जो है पूरे मतलब एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। और वो भी आपका कितने में बेटे, 10 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड्स के बीच में, ठीक है ना। और इसमें जो एरियाज़ हैं देखो इंक्लूड द साउथ ईस्टर्न यूएसए, द सहारा, अरेबिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लार्ज पार्ट ऑफ चाइना एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ये सारे पार्ट हैं वो आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो फिर भी देखिए द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन ग्रीनलैंड एंड द माउंटेन हाईलैंड्स, मतलब जो ऊँचे स्थान है वो बेटा और आपका ग्रीनलैंड, ठीक है ना, यहाँ पर अभी भी हिमांक से नीचे होता है तापमान, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखो द आइसोथर्म्स बैंड इक्वेटर वार्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशंस, उल्टा बिल्कुल आपको याद रखना जैसा हमने जनवरी में किया था उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसको वाइस वर्सा कर लो किसमें, साउदर्न हेमिस्फेयर में, सिंपल कि यहाँ समर है तो बेटा वहाँ विंटर होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर वो इसकी बजाय वहाँ पर कम होगा। वहाँ वैसे भी इतनी वेरिएशन नहीं होती क्योंकि हमने किया था बिकॉज या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर, है ना, पानी या जल बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है ना। अलोंग द 40 डिग्री साउथ द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस और आइसोथर्म्स जनरली रन पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स। ये सारे ही साउदर्न हेमिस्फेयर में लगभग एक सी स्थिति है बेटा कि वो लगभग समानांतर ही होती हैं, ठीक है ना। और फिर उल्टा कर लीजिए मतलब उसका इन्वर्स कर लो जो हमने इसमें किया था नॉर्दर्न में, तो इसमें हो जाएगा आइसोथर्म्स बैंड पोल वार्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशंस एंड इक्वेटर वार्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासिस, ठीक। अब हम इसको फिर फिगर में देखते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ मैप। आ जाइए बेटा मानचित्र पर। देखिए हम बात कर रहे थे जुलाई की और हमने बात की थी कि इसमें सन जो सूर्य जो है वो लांबिक चमकता है, मतलब सन साइंस ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ठीक है, इसलिए यहाँ समर सीज़न है तो देखिए इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। कौन कौन से एरियाज़ में है वो देख लीजिए एक बार, 30 डिग्री सेल्सियस जो एरियाज़ दिए हुए बेटा आपका, सबसे पहले देखिए साउथ ईस्टर्न USA, देन सहारा अफ्रीका में, अरेबिया, ठीक है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, एशिया में आ जाइए, ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ चाइना एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ये सारे वो हैं जहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और ये जो एरियाज हैं आपके 10 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने वही बात की थी कि इनके अंदर तो मैक्सिमम टेम्परेचर है पर इसके साथ मिनिमम टेम्परेचर भी है आपका, ऊपर और आगे आ जाइए आपका 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपके ग्रीनलैंड के अंदर, है ना, ठीक है ना, या फिर माउंटेन हाईलैंड्स वो कहीं भी हो सकते हैं, जैसे हिमालय कोई भी जो ऊंचे क्षेत्र हैं वो कहीं भी किसी भी लेटीट्यूड में हो सकते हैं। और नॉर्थ और इसके साथ साथ एक फीचर और, द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वार्ड्स वाइल क्रॉसिंग द ओशियंस एंड पोल वार्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासिस, ठीक है। फिगर को देखने से आपको इजीली समझ में आ जाता है, तो आप जो फीचर पढ़ते हो उस फीचर को पढ़ने के बाद में आप इस फिगर में ज़रूर देखें एक बार कि वो कैसे बैंड हो रही है, क्या चीज़ बताई जा रही है, इसको बता देने के बाद बेटा वो दिमाग में रहती है, आपको इजीली समझ में आ जाता है। और साउदर्न हेमिस्फेयर को इसको बिल्कुल आप इट इज़ वाइस वर्सा, ठीक है ना, उल्टा उसका कर लीजिए। दूसरा आइसोथर्म्स है वो वाइडर स्पेसिंग भी है ऑन द ओशंस दैन ऑन द कॉन्टिनेंट्स, ठीक। कम टू द सेकेंड पॉइंट बेटा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एंड वी हैव ऑलरेडी डन द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर बेटा, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस लैटीट्यूड्स, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। इट मीन्स हमें अब इसमें क्या देखना है एटमोसफेयर में, कि सरफेस से हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान जो है वो कम होता है या बढ़ता है, ठीक है ना। और हमने कई बार किया या बल्कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि एज वी गो हायर अप इन द एटमोसफेयर, ठीक है ना, देर विल बी फॉल इन द टेम्परेचर, तापमान जो है वो घटता जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान है वो कम होता है, ठीक है ना, बिकॉज द एटमोसफेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, कि पार्थिव विकिरण या भौमिक विकिरण के कारण, ठीक है ना, धरातल के साथ जो लेयर लगती है वही ज़्यादा गर्म हो पाती है, ठीक है ना। और इसलिए एटमोसफेरिक जो लेयर जो लाइंग इमीडिएटली अबो द अर्थ है वो रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड बिकम्स द वार्मर वार्मेस्ट लेयर, बट एज वी गो हायर अप बेटा द सक्सेसिव लेयर रिसीव लेसर अमाउंट ऑफ हीट एंड हैव लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना। ऊंचाई पर जाने पर आपके डस्ट पार्टिकल्स या आपकी गैसेस या वाटर वेपर्स, मतलब वो सब जो रोल प्ले करते हैं एटमोसफेयर को वार्म अप करने में, ठीक है ना, वो सब उन सब की अमाउंट जो है वो कम होती चली जाती है, डिक्रीज, इसीलिए आपका टेम्परेचर जो है वो भी ऊंचाई बढ़ने पर कम होता चला जाता है, ठीक है। इसलिए निचली परतें ही आपकी गर्म होती है, तो यही आपका क्या है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक। अब हमारा एक और है नेक्स्ट, रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है ना, इसे तापांतर भी कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट टेम्परेचर इन समर एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इन विंटर, ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसे वार्षिक तापांतर कहा जाता है, मतलब पूरे वर्ष में हम जो ले रहे हैं उसमें हम क्या ले रहे हैं समर का, ठीक है ना, और आपके विंटर्स का। तो समर का मोस्टली जो हम काउंट करते हैं वो बेटा आपका जुलाई का, और जो विंटर्स का ज़्यादातर हम विंटर्स का जो लेते हैं वो बेटे हम जनवरी का लेते हैं, मतलब बच्चे जनवरी और जुलाई के तापमान में जो अंतर है उसे ही हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। और बेटा सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक जो तापांतर है वो यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो आपका 60 डिग्री सेल्सियस है, मतलब डिफरेंस जो हम ले रहे हैं। ऐसा किस कारण से बेटा, बिकॉज दिस इज़ ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी, मतलब महाद्वीपीयता के कारण, क्योंकि लास्ट पार्ट है ये आपका और सबसे बड़ा महाद्वीप कह लो एशिया है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है। ऐसे ही जो सबसे कम मतलब आपकी लिस्ट जो रेंज है टेम्परेचर की 3 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ फाउंड बिटवीन 20 डिग्री साउथ एंड 15 डिग्री नॉर्थ, उनके बीच में पाई जाती है, कहाँ आपके 15 डिग्री नॉर्थ से लेके और 20 डिग्री साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध जो है इनके लैटीट्यूड जो है इनके बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि बेटा ये इक्वेटर के दोनों तरफ है ये पार्ट, इसलिए इसके ऊपर आपकी जो रेज हैं वो वर्टिकल होती हैं, तो टेम्परेचर के अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, मीन्स जनवरी और जुलाई के टेम्परेचर में इतना डिफरेंस है वो नहीं होता है। लुक इन दिस फिगर बेटा, हम बात कर रहे थे किसकी रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर की, और देखिए हमने इसमें किया था सबसे ज़्यादा
जो आपका है मतलब हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट। अब देखिए आपका यूरेशियन कॉन्टिनेंट में हो गया ज़्यादा रेंज, ठीक है ना। ऐसे ही हमने लिस्ट किया था मतलब सबसे कम, तो लिस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर थी वो आपके 3 डिग्री सेल्सियस, और कहाँ थी बेटा बिटवीन 20 डिग्री साउथ एंड 15 डिग्री नॉर्थ, दिस इज़ हेयर। ये आपका हो गया रेंज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर।